सोली सोली, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा सोली, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा सोली। No, calm down, calm down. It's okay, it's okay. Relax, relax. अगर मैं जिंदा ना बचता तो आज रसूली को खत्म करने के मेरे ख्वाब मेरे साथ दफन होकर रह जाते। मेरी जान बचाकर जो एहसान तुमने मुझ पर किया है उसके बदले में मैं हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं। वादा? हर सच्चा मुसलमान अपने कौल का पक्का होता है और खालिद एक सिपाही होने के साथ साथ सच्चा मुसलमान भी है। उर्दू इंग्लिश उर्दू सीख रही है। जेन, ये इस लिबास में मैं आपकी बेगम बनना चाहती हूँ। लेफ्टिनेंट खालिद ने अपनी बहादुरी और वतन परस्ती के जज्बे से सल्तनत को फिदायों के कब्जे में जाने से बचा लिया। लेफ्टिनेंट खालिद ने इस सल्तनत पर और हमारे बुजुर्गों के इस मुकद्दस तख्त पर जो एहसानात किए हैं उसके हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। हमारी हुकूमत की तवारीख के सफों पर लेफ्टिनेंट खालिद का नाम सुनहरे हरफों में लिखा जाएगा ताकि हुकूमत में हर पैदा होने वाला बच्चा इनकी बहादुरी को याद रखे। हमारी हुकूमत आज ही के दिन वजूद में आई थी, इसलिए आज इस सल्तनत की सालगिरह के मौके पर हम लेफ्टिनेंट खालिद को अपनी फौज के सिपा सलार आजम मुकर्रर करते हैं। खालिद, हाजरीन, आज का दिन किस कदर मुकद्दस है। खालिद को सिपा सलारी मिल गई और साथ ही साथ खुदा की रहमत भी। जनरल खालिद के घर लड़का पैदा हुआ है। आज हमारी सल्तनत और जनरल खालिद के घर औलाद दोनों एक साथ वजूद में आई, इसलिए जनरल खालिद का बेटा सिर्फ खालिद का नहीं इस सल्तनत का भी बेटा है और जनो खालिद के बेटे की पूरी जिम्मेदारी इस सल्तनत की जिम्मेदारी है। आज हम ऐलान करते हैं कि जनो खालिद के बेटे की पढ़ाई लिखाई तालीम और तरबियत का तमाम खर्च हुकूमत ही बर्दाश्त करेगी और आला तालीम दिलाने के लिए उसे विलायत भेजेगी। बादशाह सलामत, आज आपने मुझे जनरल के ओहदे से नवाज कर मेरी इज्जत अफजाई की है, उसके साथ साथ मेरे बेटे की आला तालीम और तरबियत के लिए इतना बड़ा कदम उठाकर मुझे मैं आपका यह एहसान किसी तरह भी नहीं चुका सकूंगा, लेकिन मैं कसम खाता हूं रब्बुल इज्जत की जो जिंदगी और मौत का मालिक है, जब तक रसूली को मैं कफन नहीं पहना दूंगा
अपने बेटे का चेहरा देखना मुझ पे हराम है। अगर तुम सारी जिंदगी रजूली को न मार सके तो? ये नामुमकिन है। रजूली की मौत यकीनन हमारे हाथ से लिखी है। खुदा न खास्ता ऐसा ना हुआ तो हम सजा के मुस्तहिक हैं, और सजा के तौर पर हम जिंदगी भर अपने बेटे का चेहरा नहीं देखेंगे। एक ही छत के नीचे रहकर एक बाप अपने बेटे से नजरें कैसे फिरा सकता है? ये तुम नहीं समझोगी जेन। एक सिपाही का अज़्म बाप की शफ़क़त से कहीं अजीम होता है। इस डर से कि कहीं तुम्हारी मोहब्बत और बेटे का प्यार हमारे इरादों पर हावी ना हो जाए, हम अपने कलेजे पर पत्थर रखकर तुम्हें और अपने लख्त जिगर को खुद से दूर भेज देना चाहते हैं। उस वक्त तक जब तक हमारी कसम पूरी नहीं हो जाती। जेन, तुम समीर को लेकर विलायत चले जाओ। खुदा हाफिज। खालिद लगातार रजूली पर हमले करता रहा, मगर रजूली हर बार उसकी तलवार के वार से बचकर फरार हो जाता।